स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जांपल ऑन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट टू शो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू जीरो। उसके बाद में हम एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लें कि हमारी डेफिनेशन क्या रहती है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एल, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। इफ मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा अगर है तो उस सिचुएशन में मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है। मतलब ये चीज गिवन है और ये हमें प्रूव करनी होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिमिलर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, वैसे ही इस ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल को भी हमें उसी तरह सोल्व करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कुछ वैल्यूज। जैसे एक ही वैल्यू है मेरे पास जीरो, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और एल है, लिमिट है जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन होता है, गिवन जीरो लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो उस कंडीशन में जब ए की वैल्यू जीरो है तो मोड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, ये हमारे पास गिवन है और आगे क्वेश्चन में ये कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। तो अब हम सोल्व करते हैं। मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना है। तो अब हम मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल को सोल्व करना शुरू करते हैं। इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस जीरो, एक्स स्क्वायर साइन 1/x जीरो। अभी मल्टीप्लाई में है तो मोड हम सेपरेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर प्लस और माइनस में अगर हम मोड सेपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटीज आती हैं, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम इसको सेपरेट कर देते हैं मोड को, कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर और मोड ऑफ साइन 1/x। ठीक है, तो ये मोड ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, एक्स एक्स मोड ऑफ एक्स की स्क्वायर और मोड ऑफ साइन 1/x। ठीक है, अब गाइस हमें यहाँ से एक बात पता है कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स की रेंज रहती है -1 और +1 के बीच में, बीचों बीच इसकी रेंज रहती है, -1 और +1 के बीच में इसकी रेंज रहती है। लेकिन अब जैसा कि मुझे यहाँ से लेस देन वाली कंडीशन लेनी है तो मैं यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन लेती हूँ, और जो साइन एक्स है और यहाँ पे हमारा एंगल है 1/x, तो वो चाहे वो π/3, π/6, 1/6, 1 में एक्स एक्स, मतलब कोई भी एंगल हो, हर के लिए साइन एक्स की रेंज रहती है -1 से +1 के बीच में। तो साइन 1/x क्या हो जाएगा, लेस देन 1 लेस, और ये -1 लेस देन साइन 1/x लेस देन 1। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा मोड ऑफ साइन 1/x लेस देन 1। अब जैसा कि हमारे पास ये आ गया मोड ऑफ साइन 1/x लेस देन 1। अब मैं ये वाली चीज बनाने के लिए क्या करती हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ मोड ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो मोड ऑफ एक्स की स्क्वायर का दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से, तो मेरे पास आ जाएगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कि ये जो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर मोड ऑफ साइन 1/x है, ये लेस देन है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर से। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लेस देन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। तो फिर मैं यहाँ से लिखूंगी मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन मोड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा है, लेकिन ये मोड ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा स्क्वायर, लेस देन डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो मैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या ऐसी चूज करूँ कि ये लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो यहाँ पे मैं करती हूँ, तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन करने के लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन, और मुझे यहाँ से वैल्यू मिलेगी डेल्टा इक्वल टू अंडरूट में एप्सिलॉन। तो अगर मैं डेल्टा की वैल्यू अंडरूट में एप्सिलॉन पुट करती हूँ, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा स्क्वायर था तो अंडरूट में एप्सिलॉन का स्क्वायर करती हूँ, तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पे मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, जो कि हमें प्रूव करना होता है। तो ये हमें एक रिलेशन मिल जाता है यहाँ पे कि डेल्टा इक्वल टू अगर अंडरूट में एप्सिलन है तो इस कंडीशन में मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलन हो जाता है। और इस तरह हम प्रूव कर देते हैं लिमिट को। तो अब हम क्वेश्चन की एंडिंग कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस में, सिमिलर हम लिखेंगे कि फॉर एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट जीरो लेस देन डेल्टा लेस देन अंडरूट में एप्सिलन, जो मेरे पास आया यहाँ पे डेल्टा लेस देन अंडरूट में एप्सिलन, सच दैट मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस जीरो लेस देन एप्सिलन फॉर एवरी मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, देन लिमिट x टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू जीरो। तो लास्ट में हम क्वेश्चन की एंडिंग इस तरह से करते हैं कि फॉर एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट जीरो लेस देन डेल्टा लेस देन अंडरूट में एप्सिलन। अब देखो यहाँ पे मैंने डेल्टा की वैल्यू अंडरूट एप्सिलन मानी है क्योंकि ये मुझे करना पड़ा, क्योंकि मुझे चाहिए था मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलन, लेकिन है तो एक्चुअल में डेल्टा जो अंडरूट एप्सिलन से रहेगा तो कम ही, वो जीरो और अंडरूट एप्सिलन के बीच में रहेगा तो रहेगा तो कम। यहाँ पे तो मुझे मानना था क्योंकि मुझे मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलन जो करना था, तो हम यहाँ से लिखेंगे लास्ट में, फिर हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि फॉर एवरी एप्सिलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा लेस देन अंडरूट में एप्सिलन सच दैट मोड ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस जीरो लेस देन एप्सिलन होता है फॉर एवरी मोड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा, देन हम प्रूव कर देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन ऑफ लिमिट फॉर सिंगल वेरिएबल फंक्शन। तो सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए हमने एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन लिमिट को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे फॉर टू वेरिएबल फंक्शन या फिर बाई वेरिएट फंक्शन के लिए एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन ऑफ लिमिट।